लेकिन वतन खू जानते थे कि मैं वहां जाकर शहीद होऊंगा, तो वो अपने अहल आयाल को अपने साथ क्यों ले खाना समेत क्यों तशरीफ ले गए थे। देखिए मसला ये था कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये खबर आपके बचपने में ही मशहूर हो और मारूफ हो गई थी कि आपको शहीद किया जाएगा, लेकिन क्या ये ही सफर मेरी शहादत का सबब बनेगा? इसका कोई सबूत ऐसा जाहिर नहीं है कि इमाम हुसैन ने फरमा दिया हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कि मैं इस सफर पे जा रहा हूं तो मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है, क्योंकि आप तो कूफे के कस्दो इरादे से निकले थे और वो भी उन लोगों के कसरत खतूत के जवाब में कि जब वो एक अफरादी कुव्वत देने का कस्दो इरादा कर रहे थे और आप ये जानते थे कि अफरादी कुव्वत मिलने के बाद यजीद पलीद की तमाम जो शैतानियां हैं उसे खत्म करना मुमकिन हो सकता है, उस कस्दो इरादे से आप निकले थे और यकीनी सी बात है कूफा एक शहर था, अहले खाना को साथ ले जाके वहां पर स्टे करने का इरादा था, फिर उसको तंबीह करने का इरादा था, फिर उसके बाद आप इसके लिए जहनी तौर पर तो तैयार थे कि मकाम शहादत पर जरूर सरफराज होना है, लेकिन इसी सफर में होना है ये कन्फर्मेशन ऐसी पर्टिकुलर नहीं थी कि जिसके बिना पर आप ये फैसला फरमाते कि बच्चों और वगैरह औरतों को यहां छोड़ूं और मैं खुद मर्दों के साथ निकलूं, बल्कि आपका बच्चों और औरतों को साथ लेकर जाना ही इस बात की दलील था कि आप पुरअमन तरीके से तशरीफ ले जाना चाहते थे, जंग का कस्दो इरादा नहीं था। और हकीकत यह है कि इसकी सही हिकमत इमाम अली मकाम ही बयान फरमा सकते हैं कि वह नवासे रसूल हैं। हमारा तो हुस्न जन है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबी खबर दी, आपके नवासे आपसे जिस कदर फैजयाब थे उनके लिए अगर ये तसव्वुर रखा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारे अहवाल से आगे फरमा दिया होगा, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं होगी कि औलिया इज़ाम अल्लाह तबारक व तआला की अता से आने वाले उमूर के ऊपर मुत्तले हो जाया करते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अपनी हामिला जोजा के पेट में मौजूद बच्ची की निशानदही करके उसका भी वरासत में से हिस्सा मुकर्रर कर दिया था, इसलिए हमल की वरासत निकाली जाती है, अगर औरत हामिला हो तो उसको बाकायदा हमल की भी वरासत निकाली जाएगी। तो इसलिए यह होता है कि औलिया इज़ाम को मुस्तकबिल के हालात वाकयात बता दिए जाते हैं, तो सही इसकी हिकमत तो आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन बहरहाल अकाबरीन जब हमारे वाकई अकाबरीन हों तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक आम मोमिन के बारे में कलाम है कि जुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिनीन के साथ अच्छा गुमान करो, तो फिर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसी अजीम शख्सियत कि जिनके कदमों की बरकत से लाखों लोग इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, उनके बारे में कितना हुस्न ज़न कायम रखना चाहिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है और ना कोई मख्फी बात है। एक मजीद कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलामु अलैकुम।